नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूँ आपके साथ भाग्यश्री। रूस के वोस्तोशिनी में व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उनकी मुलाकात हुई है। माना जा रहा है कि रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच हथियारों को लेकर बड़ी डील हो सकती है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नारला इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ के एक आतंकी ढेर हो गया है। सपा नेता आजम खान के ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। लखनऊ, रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सरानपुर, सीतापुर में छापेमारी चल रही है। आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों की दूसरी सूची पर मुहर लगेगी। मध्य प्रदेश की 40 से 45 और छत्तीसगढ़ की 21 से 25 नामों पर मुहर लग सकती है। भरतपुर में नेशनल हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। खड़ी हुए बस में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। लगभग 11 लोगों के मरने की जानकारी मिली है और बस गुजरात से मथुरा जा रही थी। राजस्थान के भरतपुर में हुए सड़क हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। हादसे में 11 लोगों की मौत हुई है। जम्मू राजौरी नेशनल हाईवे प्रभावित, बीती रात लगातार जम्मू के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। वहीं पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके चलते जम्मू राजौरी नेशनल हाईवे प्रभावित हुआ है। पंजाब पुलिस के राज्य विशेष ऑपरेशन सेल ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई द्वारा समर्थित एक जबरन वसूली रैकेट का भंडाफोड़ किया है और उनके कब्जे से 232 बोर पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद करने के बाद इसके 2 प्रमुख गुर्गों को गिरफ्तार किया है। डीएम के नेता और तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ उनकी सनातन धर्म टिप्पणी को लेकर FIR दर्ज की गई है। मीरा रोड पुलिस ने IPC की धारा 153A और 295A के तहत मामला दर्ज किया है। इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक दिल्ली में बुधवार को होगी, जिसमें इस गठबंधन की पार्टियों में प्रतिनिधि आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। प्रॉपर्टी पर लोन के मामले में रिजर्व बैंक ने ग्राहकों के हक में बड़ा फैसला लिया है। अब अगर लोन चुका देने के बाद प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट वापस देने में बैंक, NBFC या हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां देरी करती है तो इन्हें ग्राहकों को हर्जाना देना पड़ेगा। महाराष्ट्र में शिवसेना विधायकों की अयोग्यता मामले में राहुल नार्वेकर 14 सितंबर को सुनवाई करने वाले हैं। इस बीच दोनों गुटों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई है। पूरे विदर्भ में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर हवाई अड्डे पर मीडिया कर्मियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य ऐसा कोई निर्णय नहीं लेगा जिससे दोनों समुदाय के बीच टकराव पैदा हो। महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि हमारे काम से कई लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, इलाज के लिए हम डॉक्टर एट योर डोरस्टेप शुरू कर रहे हैं। संभाजी भिड़े ने अंतरावली के सराली गांव में पिछले 14 दिनों से अनशन पर बैठे मनोज जरांके से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि मराठा समाज को आरक्षण मिलना ही चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार और शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई में एक बैठक की है। यह बैठक पवार के सिल्वर ओक आवास पर हुई। बैठक करीब 90 मिनट तक चली। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार, BMC और अन्य अधिकारियों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार 19 सितंबर से शुरू होने वाले गणेश उत्सव के दौरान मुंबई और उपनगरों में गणेश मूर्तियों के सुरक्षित विसर्जन के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। टीम इंडिया ने एशिया कप 2023 के फाइनल में जगह बना ली है। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने लगातार 2 दिनों में पाकिस्तान और फिर श्रीलंका को हराते हुए 17 सितंबर को होने वाले किताबी मुकाबले का टिकट कटाया है। शाहरुख खान की जवान बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई करी है। रिलीज के 5वें दिन ही जवान ने ट्रिपल सेंचुरी मार दी थी। वहीं दुनिया भर में शाहरुख खान और नयनतारा की जोड़ी को खूब पसंद किया जा रहा है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए बीसीएन न्यूज़। नमस्कार।